हेलो मॉम्स एंड डैड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स गुड लाइफ। डॉक्टर हमेशा ये एडवाइस करते हैं कि एक न्यू बॉर्न बेबी को ब्रेस्ट मिल्क ही दिया जाए अप टू 6 मंथ्स स्पेशली। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं जो एक न्यू बॉर्न बेबी के ग्रोथ में, उसके डेवलपमेंट में, उसके इम्यूनिटी बिल्डअप में ज़रूरत पड़ता है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं, जिस तरह उसका डिमांड इंक्रीज होता है, उसका सप्लाई वैसे ही डिक्रीज होने लग जाता है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है और किस तरह हम ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारे बात आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं रीज़न से। क्या रीज़न है लो सप्लाई के लिए? पहला रीज़न तो ये है इमोशनल फैक्टर। एक मदर के लिए इमोशनल फैक्टर अराइज होना बहुत कॉमन बात है। आफ्टर डिलीवरी ये कॉमन है, मदर किसी बात को लेकर स्ट्रेस है या किसी बात का एंजाइटी है या किसी चीज़ का एम्बेरसमेंट है, ये सारे चीज़ कॉमन है। लेकिन इसको ओवरकम करना ही पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। इसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, कुछ अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छे बुक्स देखिए या अच्छे वीडियोज़ देखिए, जिससे ये सब इमोशनल फैक्टर्स को हम लोग हटा सकें। सेकेंड रीज़न ये है कुछ मेडिकल कंडीशन। अगर मदर का ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे थायराइड हो गया, हाई बीपी हो गया, तो फिर लो मिल्क सप्लाई भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट ये है मेडिसिन। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग पीरियड आप ट्राई कीजिए मेडिसिन अवॉइड करने के लिए। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया हो तो आप कुछ घर के घरेलू नुस्खे ट्राई कीजिए, लेकिन मेडिसिन को ट्राई कीजिए टू द हाइएस्ट अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को लो कर देता है। और फोर्थ पॉइंट ये है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो कॉमन है कि सबको ये पता है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल से कितना इफेक्ट पड़ता है मिल्क सप्लाई में। तो चलिए ये तो सारे रीजंस थे, अब हम लोग बात करते हैं किस तरह हम लोग ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं। पहले तो आप ट्राई कीजिए कि अपने बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीड कराएं, क्योंकि वो अगर बच्चा बार बार ब्रेस्ट फीड करेगा तो ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है आपके हॉर्मोन्स रिलीज करने में, जो अल्टीमेटली हेल्प करता है आपके ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को इंक्रीज करने में। तो बच्चे जितना बार ब्रेस्ट फीड करेगा उतना ही आपका मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। आप ट्राई कीजिए एक बच्चे को हर 2 घंटे बाद बाद ब्रेस्ट फीड कराएं। अगर बच्चे खुद से मांगे तो ठीक है, नहीं तो आप अपने तरफ से उसको ब्रेस्ट फीड कराइए। और बच्चे को उतनी देर तक लेने दीजिए फीड जितना देर तक वो चाहता है, अपने तरफ से उसको स्टॉप मत कीजिए। ये हेल्प करता है आपको मिल्क प्रोडक्शन में। हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि पंप बिटवीन योर फीडिंग। अगर किसी का लो मिल्क सप्लाई हो गया हो तो अगर वो पंप करती है तो उसका मिल्क सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। आपका पंप करने से पहले ट्राई कीजिए वो एरिया को क्लीन कर ले, क्लीन करके उसको थोड़ा सा रब कर ले, जिससे वो एरिया वार्म हो जाए तो आपको कंफर्टेबल होगा और इजी होगा पंप करने में। पंप आप कब कब करें? जब अगर आपका बच्चा फीडिंग मिस कर गया हो तब आप पंप कर सकते हैं, या अगर बच्चा आपका फीड कर लिया हो फिर भी आपका मिल्क लेफ्ट ओवर रह गया वो एरिया, तब वो आप पंप कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर बच्चा बॉटल फीड कर रहा हो और ब्रेस्ट फीड ना ले रहा हो तब आप पंप कीजिए। तब इससे क्या होता है कि आपका वो हॉर्मोन्स एक्टिव हो जाता है और मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगता है। तो ये सेकेंड पॉइंट था। कि थर्ड पॉइंट ये है कि आप दोनों साइड से ब्रेस्ट फीड रेगुलर इंटरवल में कराइए। फर्स्ट साइड आप उसको ऑफर कीजिए, जब वो स्लो डाउन हो जाए, स्टॉप कर दे, तो आप उसको दूसरे साइड ऑफर कीजिए पीने के लिए। इससे हेल्प करता है मिल्क प्रोडक्शन में। इवन आप पंपिंग में भी ये दोनों साइड साइमल्टेनियसली पंप कीजिए। इसका ये भी एडवांटेज ये है कि ये हायर फैट कंटेंट करता है जो हेल्प करता है बेबी के वेट ग्रोथ में भी। फोर्थ पॉइंट ये है लैक्टेशन कुकीज। आपको लैक्टेशन कुकीज मिल जाएगा ऑनलाइन अमेजन में, या आप घर पे भी बना सकते हैं। ऐसा तो कोई रिसर्च अवेलेबल है नहीं इंटरनेट पे जो डायरेक्टली रिलेटेड टू लैक्टेशन कुकीज, लेकिन ये माना जाता है कि लैक्टेशन कुकीज में ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो हेल्प करता है टू इंक्रीज द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। आप लैक्टेशन कुकीज को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये सारे पॉइंट्स आपका काम ना करे तो आप फिफ्थ पॉइंट पे जा सकते हैं जो है अदर फूड्स हर्ब्स एंड सप्लीमेंट्स, जो हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई। एज पर द कैनेडियन ब्रेस्ट फीडिंग फाउंडेशन ये माना गया है कि फेनिग्रिक, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में मेथी कहते हैं, वो बहुत क्विक इफेक्ट करता है ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने में। और भी इंग्रेडिएंट्स है जैसे जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया,
अजवाइन हो गया, फिर आपका सौफ हो गया, ये सारे चीज़ भी बहुत फ़ायदेमंद है ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई इंक्रीज करने में। तो आप ट्राई कीजिए ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने अपने डाइट में इंक्लूड करने में। बा इसका लड्डू बना लीजिए, वो आप डेली खाइए, ये सब भी हेल्प करता है आपको ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने। तो ये तो थे सारे पॉइंट्स, लेकिन कुछ भी नया ट्राई करने से पहले या कुछ भी नया सप्लीमेंट लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें, कि कभी कभी नेचुरल रेमेडीज भी साइड इफेक्ट कर देते हैं। सो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, अगर था तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन एन्जॉय योर मदरहुड।